ओके okay. देखिए कुछ दिन होते हैं जिसमें हम अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग से थोड़ा डिविएट करते हैं आज सुबह से हम अपनी प्रोग्रामिंग में काफ़ी हिस्सा जो कल रात को न्यूज़ आई उस पर दे रहे हैं और सुबह साढ़े छः से सात साढ़े सात बजे तक हमने कंटीन्यूस कवरेज इसी पर रखी थी और हमारी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी उससे हमने थोड़ा सा डिटो लिया था और आज पूरे दिन हम रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देते रहेंगे और उनके उनकी ज़िंदगी को लेकर रिएक्शंस आपको दिखाते रहेंगे मैं आज शो की शुरुआत करूंगा रतन टाटा जी से जो बड़ी सीख हमने हमको लेनी चाहिए ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पिछले साल उनके जन्मदिन पर कही थी आशीष और ये कुल मिलाकर मैं आपको दस सीखें बताने वाला हूँ रतन टाटा की जिंदगी से जो मैंने सीखी हैं जीवन में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है और उससे आपको डरना नहीं चाहिए ई में भी अगर एक सिंगल लाइन बन जाए तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हैं तो लॉस से अपने घबराइए मत सेम चीज़ मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ उस चीज़ को समझ के रखिए एक दिन आपको एहसास होगा कि ये मटेरियल चीज़ें जो हैं उनका कोई मायने नहीं है जो लोग आपके करीब हैं उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये नंबर टू नंबर थ्री अच्छा लीडर वो होगा जो अपने आसपास बुद्धिमान सहयोगियों को रखेगा ये एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही थी अच्छा मैं उन्होंने कहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव नहीं करते वर्क लाइफ इंटीग्रेशन में बिलीव करते मतलब अपने काम को ही ऐसा बनाओ जो आपको आ, ऐसा लगे कि आ, आ, उसी में आपके वर्क लाइफ मजा आ रहा है उसी में मजा आ रहा है बेसिकली ऐसा काम करिए ठीक है अभी अभी वल्लभ भंसाली से बात हो रही थी और उन्होंने जो कहा कि रिस्क टेकर थे रतन टाटा जी और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रिस्क लाइफ में होता है रिस्क ना लेना अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप हंड्रेड परसेंट अनसक्सेसफुल होंगे देखिए अगर बहुत लोगों को लगता है कि अगर रिस्क लिया तो शायद अनसक्सेसफुल हो जाएंगे रिस्क नहीं लेंगे तो हंड्रेड परसेंट अनसक्सेसफुल होंगे रिस्क लेंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं ठीक है और अपने पूरे जोश के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करें सफलता के लिए जब दूसरों के साथ बातचीत करें तो थोड़ा सा आप तो उसमें थोड़ी सी एम्पेथी थोड़ी सी सहानुभूति थोड़ी सी करुणा इन सब चीज़ों को रखें और एक चीज़ आपका जीवन जो है ना वो आरामदायक नहीं हो सकता हर किसी की लाइफ में फेजेस आते हैं किसी की लाइफ में जल्दी आते हैं आशीष किसी की लाइफ में बाद में आते हैं ठीक है लेकिन आएंगे सबकी लाइफ में फेजेस टफ़ फेजेस सबकी लाइफ में आएंगे तो इसके लिए लेकिन ये मत समझिए कि वो अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो आपकी इंपॉर्टेंस कम होगी नहीं ऐसा नहीं है लीडरशिप मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहाने बनाने में या अवॉइड करने में नहीं है और फाइनली अपने मौके खुद बनाएं ये सोचें कि आपको कहीं से मौके मिलेंगे ये रतन टाटा जी की जिंदगी से जो सीख दस सीख मिली वो मतलब सीख तो सो है वैसे तो लेकिन दस हमने हाईलाइट कर दी यार आज का दिन वैसे है उनके लाइफ एंड टाइम्स को सेलिब्रेट करने का दरअसल गज़ब का वो दौर रहा उनके अंडर टाटा ग्रुप का आ, किस तरह से क्या विजन रखा उन्होंने किस तरह से भारत की पैट दुनिया में वो परचम लहराने में मदद करी वो क्या मैसिव एक्शन वो सब चीजें हम सब बातचीत करते रहेंगे वो फिलॉन्थ्रॉफिक एक्टिविटी जिसके लिए टाटा सर आप तो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और इसके लिए सबके दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं खैर इस पर आगे भी बातचीत इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों से भी चर्चा करते रहेंगे लेकिन अब जरा सा मार्केट्स का तड़का ऐड करते हैं मैं आता हूं ग्रुप की तस्वीर अगर दिखाता हूं, उस पर चर्चा करता हूं, लेकिन पहले ओवरऑल मूड पर एक आपका ओपनिंग टेक नहीं ओवरऑल मूड पर जो एक ओपनिंग टेक है वो ये है कि हमारी मार्केट जो गिरी थी उसका सबसे बड़ा कारण चाइना था तो चाइना से हमको जो, जो जोर का झटका लगा था अब वो मार्केट उससे थोड़ा सा उबर चुका है क्योंकि चाइना खुद अब चलना बंद कर चुका है मतलब आप, वहाँ पर वापस ये फैक्टर आ गया कि नहीं वो स्टिमुलस आया था उसकी वजह से एक रैली बनी लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई वो रैली बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रही है एक बार देख लें कि चाइनीज़ मार्केट कैसा कर रही है आज क्योंकि कल तो काफ़ी वहाँ पर डिक्लाइन थी खासतौर से हैंगसेंग में काफ़ी डिक्लाइन थी तो एक बार शंघाई कम्पोजिट देख लेते हैं फ्लैट है हाँ बड़ा हुआ है ठंडा पड़ा हुआ है ना मतलब कुछ कर नहीं रहा है बेसिकली ठीक है तो और हाँ ठीक है थोड़ा रिकवर हुआ है लेकिन तो वो जो एक रिस्क बन रहा था आपका कि पैसा यहाँ से निकल के वहां जा रहा है वो कुछ हद तक अब कम हो रहा है मिडिल mm. ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो एस्केलेशन था वो नहीं हो रहा है mm. ये एक बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए उसका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर था क्रूड अब मैं उस पर तो आऊँगा बाद में लेकिन वो एक और चीज़ है जो मार्केट को लग रहा था कि शायद एस्केलेशन होगा तो थोड़ी चिंता होगी वो भी नहीं हो रही है यूएस मार्केट ने कल फिर ऑल टाइम हाई लगाया यू मार्केट ने फोर्टी टाइम इस साल में जी हाँ फोर्टी फोर्थ टाइम इस साल में नया ऑल टाइम हाई लगाया यूएस मार्केट ने ब्रेंट आपने देख ही लिया सेवेंटी सेवन के नीचे आ गया तो अब गिरने का कोई कारण नहीं है मार्केट का मार्केट में अब गिरने का कोई कारण नहीं है और एफ की पोजिशनिंग जो है वो काफ़ी हल्की हो चुकी है अब इस समय मार्केट में और कल भी एफ ने काफ़ी लॉन्ग काटे हैं आशीष और काफ़ी शॉर्ट्स जोड़े हैं कल की मार्केट में भी उन्होंने मैं डेटा देख रहा था और अब एफ की लॉन्ग पोजिशनिंग आ गई थर्टी एट परसेंट पर ये 83 था रिवर्स हो गया डिजिट्स 83 वाला 38 हो गया पुटकॉल रेशो भी पॉइंट सेवन टू पर है तो ये सारे के सारे जो साइंस है ना ये एग्जैक्ट बॉटम के साइंस हैं अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो ना। ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन लेवल्स पर अगर आप बाय करेंगे ऑब्वियसली कुछ स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर बनेंगे और आप तो अच्छे स्टॉक खरीदेंगे इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपने आप से पूछिए यहाँ से डाउनसाइड कितनी है अगर तो रिसेंट लोग विजिट हुए मान लीजिए तो और तीन सौ पॉइंट अगर वो ब्रीच में मान लीजिए अगर मार्केट को टू हंड्रेड एवरेज तक भी जाना है तो कितना हज़ार बारह सौ पॉइंट ठीक है अगर मार्केट को उससे भी खराब होना है दो हज़ार पॉइंट भाई इससे ज़्यादा तो डाउन साइड नहीं होगी ना है तो हम बुल मार्केट में ये बुल मार्केट के करेक्शन चल रही है लेकिन अपसाइड कितनी होगी अपसाइड में वो सत्ताईस हज़ार तीस हज़ार पैंतीस हज़ार पचास हज़ार कोई भी लेवल आप रख सकते हैं तो उस हिसाब से सोचें इस मार्केट को हाँ अगर ट्रेडर हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें डे ट्रेडर हैं खासतौर से तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट जरूर करें बिल्कुल ठीक ये है अब मार्केट्स का अप्रोच आज के संकेतों पे आता हूं गुरुवार का दिन है आज से आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है और दूसरी तरफ रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा होगा तो वैसे ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा हुआ है क्यूज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ आधे पर, हल्के आधे परसेंट मजबूती के साथ सौ पॉइंट के गैप के साथ शायद हम लोग आज सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आए लार्जली एशिया ग्रीन में है फ्लैट से ग्रीन में है और ओवरनाइट यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं दिख रहा है दो तिहाई से एक परसेंट मजबूत तीनों बेंचमार्क कल कामकाज कर रहे थे और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट हैं तो कल के गेंद ऐसा नहीं गंवा रहे हैं तो हैंड तो बढ़िया है एटलीस्ट भाव टू भाव अगर देखूं तो पर मूड है कैसा दरअसल हमारे लिए बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है ग्लोब से जानने के लिए अब उस पर फोकस कर लिया है कैसा लग रहा है ग्लोबल मूड ग्लोबल क्यूज़ बहुत शानदार है कल का आप यूएस मार्केट का इंटरडे चार्ट अगर एक बार रख सकें स्क्रीन पर खासतौर से डाउजोंस का तो वो रख दीजिए डाउजों से एस एन जो भी हमारे पास हो उसका एक इंटरडे चार्ट रख दीजिए कल यू मार्केट से बहुत शानदार हैंड मिला है हमें कल मार्केट यू का बंद हुआ है एकदम अपने ऑल टाइम हाई तो लगाया है उसने लेकिन क्लोज भी एकदम डे हाई पर कल यूएस मार्केट हुआ ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर आएगा डाओजोन्स किस तरीके से बंद हुआ कल यूएस फेड के मिनट्स आए बहुत शानदार मिनट्स थे वो आई थिंक मार्केट ने लैच ऑन किया उन मिनट्स को बड़े बहुमत में 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट सपोर्ट हुआ था बड़े बहुमत से ऐसा नहीं है कि फेड डिवाइडेड था लार्ज मेजोरिटी जो कह रहे हैं कि सपोर्ट किया था 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की कटौती तो का लेकिन और 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट अगली उसमें होना मुश्किल है ये फेड के मिनट्स से वैसे भी ये तो उस दिन की मीटिंग के मिनट्स हैं उसके बाद से तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट किस तरीके से बता रही है कि प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है पचास बेसिस पॉइंट की अब तो पच्चीस बेसिस पॉइंट भी अगले मीटिंग uh, में होगा या नहीं इस पर भी थोड़ा सा डाउट लग रहे हैं अच्छा जब ये उन्हें लगता ना ये मार्केट के लिए अच्छा होता है क्योंकि अगर मार्केट पहले ही एज्यूम कर लेगा कि अगली मीटिंग में रेट कट होगा तो फिर अगर रेट कट हो भी गया तो मार्केट के लिए बचा गया अब अगर थोड़ा प्रॉब्लिटी कम हो जाए और वाकई में रेट कट आए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है जो लोगों की जो उनके फेड के मेंबर्स हैं उनकी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि धीरे धीरे आप रेट कट करें अगेन जो हम बार, बार बार बात बोल रहे हैं कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव मुझे लग रहा है आज आईटी आपको लीड करेगा मार्केट को आज आई टी में मुझे लग रहा है बहुत शानदार तेजी होगी आई कल भी स्ट्रांग था रिलेटिव स्ट्रेंथ पर भी सबसे स्ट्रांग है मुझे लग रहा आ, है लग रहा आज आई में अच्छी रैली होगी और अब तो अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है एस एन पी डाउ जोन रिकॉर्ड हाई पर जैसे मैंने कहा फोर्टी रिकॉर्ड हाई डॉलर इंडेक्स चलने लगा है तो उससे एक और चीज़ है कमोडिटी की रैली भी धीरे धीरे कम होगी क्रूड धीरे धीरे उसकी वजह से नीचे आएगा ये भी एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव है लॉन्गेस्ट विनिंग रन है डॉलर इंडेक्स के लिए सिंस 2022 और यूएस मार्केट में दो साल हो गए हैं अब बुल मार्केट के यू मार्केट ने बॉटम बनाया था तेरह अक्टूबर दो को और अब हम आ गए हैं करीब करीब ऑलमोस्ट दस अक्टूबर दो में और तब का लो था चौंतीस सौ वहाँ से देखिए क्या रैली यूएस मार्केट ने आपको दी है करीब करीब चौंतीस परसेंट की रैली यूएस यू, 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 मार्केट ने आपको दी है आज जो डेटा आएगा यूएस से वो होगा उनका सी पी आई डेटा उस पर थोड़ी सी नज़र रखेंगे लेकिन कुल मिलाकर ग्लोबल क्यूज़ हैंड ओवर शानदार है और आज के एशियन मार्केट क्यूज भी शानदार है ओके ग्लोबल क्यूज बढ़िया है अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी है वो हमारा सेटअप कुछ हिंट्स आपने सेटल से दे दिए एफ की बिक्री का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हुआ लेकिन बिक्री कैश में चल रही है लॉन्ग्स अनवाइंड कर रहे हैं शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं ये चाह कह रहे हैं और हमारे लिए दरअसल अब सेटअप सेट कैसा बैठ रहा है बिल्कुल देखिए सेटअप हमारे लिए अच्छा बन रहा है क्योंकि कल जब मैं और वीरू बात कर रहे थे क्लोजिंग में तो ये लग रहा था कि शायद एफ ने बहुत अग्रेसिव सेलिंग की जिस वजह से मार्केट टॉप से नीचे आया उतने सेलिंग हुई नहीं साढ़े चार हज़ार करोड़ की सेलिंग हुई हाँ उसके मुकाबले डी ने उतना बाय नहीं किया सिर्फ पैंतीस करोड़ बाय किया तो उस हिसाब से ठीक है और चार दिन में नहीं आठ दिन में सॉरी ये बार्स आ गए आपके स्क्रीन पर तो ये तो खैर छह दिन के बार्स दिख रहे हैं आपको डी आई एस के ग्रीन एफ आई एस के रेट आठ दिन में एफ आई एस ने सेल किया है साठ हजार करोड़ अब इस नंबर की इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं कि आठ दिन में साठ हजार करोड़ बेचा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये नंबर पाँच दिन में पचास हजार करोड़ था दस हजार करोड़ की एवरेज चल रही थी और अब लास्ट के तीन दिन में दस हजार मतलब और एडिशनल दस हजार करोड़ ही है तो वो एवरेज कम हो रही है उसकी वजह से और उसके सामने डी आई एस पूरा कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो इसका मतलब नेट इंस्टीट्यूशनल पैसा है मार्केट में और रिटेल का पैसा है मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं इतनी सेलिंग के बाद मार्केट कितना गिरा है टॉप से कुछ भी नहीं।, नहीं कुछ भी नहीं ये कुछ करेक्शन ही नहीं है तो लोगों ने करेक्शन देखी नहीं है इसके लिए उनको डर लगता है ये कुछ भी नहीं गिरा है मार्केट एक्चुअली कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है करीब करीब साढ़े तीन हज़ार करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है करीब करीब दो हज़ार करोड़ की और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर्स बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई है तो ये तो एक क्लासिकल साइन है मार्केट के लिए कि आज मार्केट ऊपर आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों के ट्रेंड देखिए आप uh, सिर्फ़ एक दिन को छोड़ दें अदरवाइज तो थ्रू आउट सेलिंग रही है वहाँ पर और उसके बाद अगला नंबर देखिए आप जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं या शॉर्ट ऐड हुए हैं उतना तो मार्केट गिरा ही नहीं है लॉन्ग कट कम हुए तीस हज़ार शॉर्ट ऐड हुए तेईस हज़ार आप इमेजिन करिए आशीष साढ़े चार हज़ार करोड़ कैश में बेचा तिरपन हज़ार शॉट्स ऐड करे सिस्टम में उसके बावजूद निफ्टी तीस पॉइंट गिरा है कुल मिलाकर तो ये भी आपको बता रहा है कि इवन वो जो एफ की सेलिंग है उसकी वजह से जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है जब भी एफ एकदम से सेलिंग करते हैं ना तो पहले दो तीन दिन, दिन बड़ा इंपैक्ट आता है उसके बाद वो इंपैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है अब ये देखिए लॉन्ग शॉट देखिए आप आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफ आया था टेबल फॉर्मेट में देखिए एक लाख अट्ठाईस हज़ार शॉट्स हो गए आप सिस्टम में कहाँ हम तीन लाख अस्सी हज़ार लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर थे टेबल फॉर्मेट आएगी और अब हम एक लाख अट्ठाईस हजार शॉर्ट पर हैं थर्टी एट परसेंट लॉन्ग रह गए सिक्सटी टू परसेंट शॉर्ट है दस जून के बाद सबसे बड़े सबसे ज्यादा नेट शॉर्ट इस समय सिस्टम में है इवन अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी काफी हद तक उन्होंने कॉल लॉन्ग को कवर किया है इस समय इंडिया वेक्स कल थोड़ा सा नीचे आया तीन परसेंट और पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है जीरो पॉइंट सेवन टू वर्सेज जीरो पॉइंट सेवन फोर तो मामला एकदम ठीक ठाक है हाँ एक चीज आप कह सकते हैं बैन में थोड़े बड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं जैसे कि टाटा केमिकल्स बैन में ऐड हो गया कल ये बैन में ऐड हुआ और ऑलरेडी दस स्टॉक्स थे तो कुल मिलाकर अब ग्यारह स्टॉक्स हो गए बैन में तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मामला खराब हुआ लेकिन अदरवाइज सेटअप अभी भी ओवरसोल्ड है और मार्केट तैयार है कि रैली करे अगेन विद द कैवियट कि लो बचना चाहिए बस बिल्कुल ठीक सेटअप ऐसा है कि शायद एक्सट्रीम्स में चले गए बाउंस बैक की तैयारी होनी चाहिए ग्लोबल सपोर्टिव है ऐसे में आज के निफ्टी का अप्रोच कल का सेशन इंटरेस्टिंग था एक समय सवा 200 पॉइंट का उछाल बहुत बढ़िया मूव्स थे कल वैसे आपने कहा भी था कि 25 400 के टारगेट से 25 300 के आसपास अपन मुनाफा बांध लेंगे अब वो ठीक है कि वो टेक 30 40 पॉइंट्स ऊपरी स्तरों से फिर वो अच्छी मूव्स के बाद जब अपने फर्म बॉटम पकड़ा था उसके बाद अच्छी मूव्स एंजॉय करी उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव आया ठंडा पड़ा मामला फ्लैट लाइन के आसपास क्लोज हुआ अब हमारा अप्रोच गिवन कि हम थोड़ा बहुत हरे निशान के साथ वापस शुरुआत कर रहे होंगे क्या आउट करना है और अब अप्रोच क्या रखना है निफ्टी पे बिल्कुल देखिए आज मैं आशीष थोड़ा सा ना आप मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करेंगे आज मैं थोड़ा होमवर्क कम कर पाया नहीं बट रात भर भर मैसेज मैसेज चल चल रहे थे exactly, चल रहे थे ग्रुप एग्जैक्टली रात वो थे प्लस सुबह से ये इस, इस, इस पर हम लोग हुए थे ऑनवर्ड्स काम हाँ तो इसके लिए आज मैंने एक कोई आपके लिए फ्रेश बाय सेल के जोन ने निकाले मैं सिर्फ एक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करूँगा आज सिर्फ प्री ओपन जब सेटल हो जाएगा तो उसके बाद इसको दोबारा रिविजिट कर लेंगे पहले तो निफ्टी पर आते हैं रेजिस्टेंस पहला मिलेगा आपको पच्चीस हज़ार सत्तर से पच्चीस हज़ार एक सौ पच्चीस यह आपका ऑप्शन बेस्ड क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की तो इसके लिए ये पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको जहां से हम कल कोलेप्स हुए कल पच्चीस दो सौ चौंतीस से कोलेप्स हुए तो मोटा मोटी पच्चीस दो सौ से पच्चीस दो सौ पचास का जो, जो जोन है वो रहेगा पच्चीस दो सौ पचास के ऊपर अगर आप निकले तो निफ्टी का ट्वेंटी डेमा इन प्ले हो जाएगा पच्चीस तीन सौ छप्पन का जो मेरा एक बेस केस भी है कि ये मार्केट एक बार के लिए मेन रिवर्जन दिखाएगा आपको और पच्चीस तीन सौ छप्पन तक जाने की तैयारी करेगा तो इसके लिए यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको पहले चौबीस नौ सौ से चौबीस नौ सौ पचास पर और उसके बाद बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको चौबीस सात सौ से चौबीस सात सौ पचास पर चौबीस सात सौ के नीचे अगर आप बंद हुए बंद तो मार्केट कमज़ोर होगा फिर मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग पोजिशन से एग्जिट करिए और अगर ट्वेंटी डेमा के ऊपर बंद हुए पच्चीस तीन सौ छप्पन उसके ऊपर बंद हो गए अगर आप तो फिर ताबड़ तोड़ शॉर्ट कवरिंग होगी मार्केट में जो आपको शायद हो सकता है ऑल टाइम हाई तक भी ले जाए ये होगी निफ्टी पर अप्रोच बिल्कुल ठीक और निफ्टी बैंक कल इक्यावन सात सौ तक गया था मेरे ख्याल से फिर वहाँ से वो पूरा पूरा फिजल आउट उसकी भी और रैली देखने को निफ्टी बैंक यार या। निफ्टी निफ्टी बैठ के हुए निफ्टी बैंक वह स्क्रीन पर आएगा ये देखिए और इसी ने फिर वो एकदम से जब ये कल था क्रेडिट पॉलिसी का दिन सारे समीकरण बढ़िया थे जो अच्छा अच्छा सुनना चाहते थे वो भी मिला हमने मोमेंटम को एंजॉय भी करा शुरुआती वो पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद फिर ऊपर से अच्छी खासी मुनाफा वसूली और इसी ने फिर वो निफ्टी को भी ठंडा कर दिया कैसे देखूँ कल के सेशन को आपकी रीडिंग क्या है कल क्या हुआ और अब फ्रेश अप्रोच इक्यावन हज़ार पर क्या होगी देखिए निफ्टी बैंक कल एग्जैक्ट हंड्रेड डे वहाँ पर बंद हुआ एग्जैक्ट ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे तो एज पे है ये एक समय के लिए लग रहा था कि एकदम से कोलैप्स हो गया मामला कल पॉलिसी के बाद का जो मूव था डिसअपॉइंटिंग था इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है अब बावन इक्यावन सात सौ पर बंद नहीं हो पाए एटलीस्ट इक्यावन चार सौ पाँच सौ पर बंद बन होना बनता था वो नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था अब कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए मुझे लग रहा है कि कल के हाई को क्रॉस करना ज़रूरी है यहाँ पर यहाँ आपका पहला रजिस्टेंस होगा इक्यावन चार सौ से इक्यावन पाँच सौ का और उसके बाद बड़ा रजिस्टेंस होगा आपका इक्यावन सात सौ से इक्यावन आठ सौ का जो कल का हाई भी था करीब करीब और ये लेवल्स अगर क्रॉस हुए तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी आप एक बार के लिए ट्वेंटी डे एक्स मूविंग एवरेज की तरफ बैंक निफ्टी में बढ़ेंगे जो करीब करीब बावन पाँच सौ के आसपास बैंक निफ्टी पर प्लेस्ड है सपोर्ट जहाँ तक है वो ज़रूरी है पचास चार सौ पचास से लेकर पचास पाँच सौ ये आपका पहला सपोर्ट है और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका पचास हज़ार से पचास हज़ार दो सौ पर अगर ये लेवल्स टूटे तो मार्केट काफ़ी वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी में और फिर आपका टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज फोर्टी नाइन टू हंड्रेड का इनप्लेस होगा ये सब प्रोवाइडेड अगर ये लेवल्स ब्रीच हुए तो मेरा बेस केस है कि ब्रीच नहीं होंगे और मार्केट ऊपर आएगा लेकिन ये इस समय की अप्रोच रहेगी ओके ये हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक पे आज गुरुवार का जब हम निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं हमारी रणनीति पैनल रेडी हो रहा है कुछ ही देर में पैनल से बातचीत की शुरुआत करेंगे लेकिन